बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था मीनू। मीनू बहुत ही चंचल और खुशमिजाज चिड़िया थी। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन मीनू अपनी दोस्त रानू के साथ नदी पर बैठी थी। रानू अपनी दोस्त मीनू से कहती है, मीनू क्या तुम्हें पता है हमारे जंगल के बीचों बीच एक पुराना और रहस्यमय पेड़ है जो देखने में बड़ा अद्भुत है। ऐसा कहा गया है कि उस पेड़ के पास एक जादू छाता है और वो छाता किसी की भी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। मीनू ये बात सुनकर बहुत ही उत्साहित होती है। क्या ये सच बात है? तो मैं उस जादुई छाते को जरूर खोजूंगी। मैं कल सुबह होते ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। फिर वो दोनों वहां से अपने अपने घर आ जाते हैं। मीनू रात भर उस छाते के बारे में सोचती है। उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे तैसे रात गुजरती है। अगली सुबह होते ही मीनू अपने सफर पर निकल जाती है। वो अपने सफर पर बड़े ही उत्साह के साथ बढ़ती जा रही थी। थोड़े आगे जाने पर उसे कालू कौवा दिखाई देता है। मीनू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मीनू जादुई छाते के बारे में उसे बताती है। अरे मीनू, तुमने भी इस बात को सच मान लिया। ये तो सिर्फ एक कहानी है। कालू भैया, मैं तो इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी कि क्या सच में जादुई छाता है। फिर मीनू वहां से आगे की ओर बढ़ने लगती है। थोड़े और आगे जाने पर उसे बुलबुल दिखाई देती है। मीनू बहन, तुम कहाँ जा रही हो? बुलबुल, मैं जादुई छाते की खोज में जा रही हूँ। मीनू, जादुई छाते की तो बस एक कहानी है। हमें ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुलबुल, मुझे तो पूरा विश्वास है कि जादुई छाता सच में है। मीनू ने हार नहीं मानी और अकेले ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। मीनू ने जंगल के गहरे हिस्से में उड़ान भरी। रास्ते में उसे कई प्रकार के जानवर मिले। कुछ ने उसे डराने की कोशिश की तो कुछ ने उसे रास्ता दिखाया, लेकिन मीनू ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और निरंतर आगे बढ़ती रही। एक दिन मीनू को एक विशाल और घना पेड़ दिखा। पेड़ की शाखाओं में एक चमकता हुआ छाता लटक रहा था। मीनू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने जल्दी ही उड़ान भरी और छाते के पास पहुंच गई। मिल गया, मुझे जादुई छाता मिल गया। आखिरकार मेरे इतने दिनों की मेहनत रंग लाई। फिर मीनू ने छाते को उठाया और जादुई शब्दों को पढ़ा जो उस पर लिखे थे। इस छाते पर तो कुछ लिखा है, जो भी इस छाते का मालिक होगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। मीनू ने तुरंत अपनी पहली इच्छा मांगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी दोस्त और मैं हमेशा खुश रहें। छाते ने चमकना शुरू किया और अचानक से पूरा जंगल चमकने लगा। अरे, ये कैसा चमत्कार है! लगता है मीनू ने सचमुच जादुई छाता खोज लिया है।
छाते को लेकर जल्दी अपने जंगल लौट चलती हूँ। मेरे सभी दोस्त ये जादुई छाता देखकर काफी खुश होंगे। फिर मीनू वो जादुई छाता लेकर अपने जंगल की ओर लौट आती है। मीनू के दोस्त जंगल में अद्भुत चमक देखकर एक जगह इकट्ठा हुए थे। अरे वो देखो दोस्तों, मीनू आ रही है। उसने जादुई छाता ढूंढ लिया है। वो देखो उस छाते में से कितनी चमक है। हाँ हाँ बुलबुल, हम सब ने तो जादुई छाते की बात को सिर्फ एक कहानी समझा था, मगर आज मीनू ने ये सच साबित कर दिखाया कि सच में जादुई छाता है। इतने में मीनू भी वहाँ आ जाती है। बुलबुल ये देखो, मुझे जादुई छाता मिल गया। अब ये जादुई छाता हमारी हर इच्छा को पूरी करेगा और हमें किसी भी बात को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर मीनू जादुई छाते से अपने लिए भोजन मांगती है और तभी उनके सामने फलों से भरी टोकरियां आ जाती हैं। सारे पक्षी जी भरकर फल खाते हैं। ये सब देखकर सारे पक्षी काफी खुश थे और इस तरह मीनू और उसके दोस्तों की जिंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। उनका जादुई छाता उनकी हर समस्या का समाधान था और उन्होंने इसे कभी भी बुरी नीयत से इस्तेमाल नहीं किया।